आरपीटीवी न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए। महाराणा मानवेंद्र सिंह के मैनेजर श्री शिवपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि एमपीआरडीसी विभाग द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। पाटी नाके के पास 52 गजा रोड पर देवी सिंह गार्डन के नाम से हमारी जमीन है, जिसका कुछ हिस्सा राजपूत समाज को दान दिया गया है। बड़वानी 52 गजा रोड निर्माण कार्य के दौरान हमारी जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिसके संबंध में ना तो कोई सूचना दी है ना तो कोई नोटिस दिया गया है। इसे निर्माण कंपनी वो हमारी जमीन पर जबरदस्ती करीब 500 मीटर लंबी एवं 3 मीटर चौड़ी भूमि पर जेसीबी से खुदाई शुरू कर दी, तार फेंसिंग पेड़ जेसीबी से नष्ट कर दिए। इस संबंध में हम लीगल कानूनी कार्रवाई करने जा रहे है। क्या नाम है? शिवपाल सिंह सिसोदिया। एक्चुअली मैं सुबह, मेरे को फोन आया यहाँ से पाटी नाके से कि साहब आपकी जमीन में कुछ लोग रोड बनाने के लिए जेसीबी से तोड़फोड़ कर रहे हैं। मेरी यहाँ पे राजा साहब की जो जमीन है, चूंकि मैं राजा साहब का मैनेजर हूँ, उनकी जमीन में करीब करीब 10 फीट अंदर तार फिनिशिंग जो थी और जो झाड़ लगे हुए थे उसको तोड़ते हुए जेसीबी वगैरह से 10 फीट अंदर तक घुस गए हैं। न तो हमें इस बारे में कोई नोटिस दिया गया है, न कोई हमें सूचना दी गई है, न हमारी जमीन पे घुसने के पहले कोई परमिशन ली गई है, न जमीन को कोई मुआवजा दिया गया है। प्रशासन अधर्मिता कर रहा है और मनमानी करके हमारी जमीन में घुसा है, हमें बगैर नोटिस दिए। हम इसके संबंध में लीगल कार्रवाई करना जा रहे हैं और शीघ्र ही प्रशासन के खिलाफ हम लीगल कार्रवाई करेंगे। मैं राजपूत समाज से जिला अध्यक्ष, युवा जिला अध्यक्ष हूँ, धर्मेंद्र सिंह चौहान। विरोध इस बात का है, हमारे जमीन के सामने से जो रोड का काम चालू हो रहा है, ये बिना नोटिस के दिए, हमें कोई सूचना नहीं दी और यहाँ पर खुद ही चालू हो गई। कम से कम नोटिस चस्पा हो जाता तो थोड़ा सा हमें भी कार्रवाई करते बनता।